Uy. भाई जब इसको पता चलेगा अभी। मैं बहुत अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। तेरा लम्हा आएगा अभी। लोग हैरान कुन तौर पर ये बहुत आसान था। चलो अपना कला वापस लेते हैं। लेते हैं। जाओ। चलो चले जाओ। आ गई एलन मनहूस खबर लेके। प्यारी एलन बोले, हमने अपना कोई एक सिपाही भी खोए बगैर वो कला वापस ले लिया। अच्छा निकोला, सब मार दिए उसने। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए? ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोग मना रही हो। क्या हुआ है आखिर तुम्हें निकोला? ये उस्मान मस्त है ना, हमेशा सर भेजता है। हाँ। लोगों के भाई, इसको तो कितने लोगों के सर भेजे उसने। फिलहाल उसका सर भेजने का अभी। इसमें क्या है हेलेन? देखो ना, काय को पूछ रहे बार बार। वही दिखा दिया ना? वही दिखाया। मेरे को लगा नहीं पर ब्लर है फिर भी। अलेक्जेंडर, तुम्हारा दोस्त। मेरे दोस्त। ढीला टेबल है। देख ढीला टेबल है, ऐसे से होता है। ले जाओ उसे। राख से राख, मट्टी से मट्टी, मेरे दोस्त। राख से राख, मट्टी से मट्टी, मेरे दोस्त। क्या बातें कर रहा बुड्ढा? मैंने अपना बहुत करीबी दोस्त खोया है पेट्रोस। खुदावंद उसके तमाम गुनाह माफ करे और उसकी कुर्बानी रायगान आ जाए। खुदावंद, अगर आप 10 to 20,000 रुपीस पर वीक अर्न करना चाहते हो अपने फ़ोन के जरिए, देन यू गाइस कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये भी आप चेक कर सकते हो। जेन्युइन वर्क है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तभी टेक्स्ट करिएगा। थैंक यू। मुझे किसी की दुआओं की जरूरत नहीं है पेट्रोस। मैं अपने सिपाहियों और दोस्तों को इस तरह खोता हुआ नहीं देख सकता। सब कुछ बताओ मुझे पेट्रोस, सब कुछ। पहले ये कि तुम उसे हासिल करना चाहते हो और दूसरा तुम उससे क्या हासिल करना चाहते हो। कोई खेल नहीं, कोई झूठ नहीं, हर चीज बताओगे तुम मुझे। बताओ इससे पहले तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से जुदा कर दूं। ये कॉमेडी है भाई। हाँ। पेड्रोस, चूंकि तुम
समझ गए हो कि खुदा को जाने वाला रास्ता शैतान से होकर जाता है, इसलिए अब तुम सच सुनने के हकदार हो मेरे दोस्त निकोला। तुर्कों का मुस्तकबिल उस्मान के खेमे में मौजूद है। तुर्कों को रोकने के लिए और उनसे उनका मुस्तकबिल छीनने के लिए एक बड़ी जंग का वक्त आ गया। इसका मतलब है कि मुंतशिर कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए उस्मान के पास एक बड़ी ताकत है, और जैसे ही वो ये कर लेता है तो सबसे पहले तुम मरोगे और फिर उसके बाद हमारी भी हलाकत। जैसे ही काय कबीला अफरा तफरी में होता है तो हम उस्मान के खेमे में दाखिल होकर वो दस्तावेजात ले लेंगे। उस खेमे का दरवाजा बामसी हमारे लिए खोलेगा। इदरीस साहब, आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? किस मरहम की बात कर रहे हैं आप? इदरीस डेविड, आप परेशान मत हो, ये मरहम आपको शिफा देगा। आखिर इस मरहम को मैंने ढूंढ लिया। बैठ जाए। आपको क्या पता कि इससे मुझे फना होगा? एक बार आजमाने से मर नहीं जाएंगे। अगर हाथ ठीक हो गया तो आप जंग में दो तलवारों से लड़ सकते हैं, समझे? ये उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है बमसी भाई के। मुझे दें। क्या मुझे इसे अपने हाथ पे लगाना है? हाँ, हम ये आपके हाथ में लगाएंगे। यहां पे रखें। ये कुछ ये क्या है जनाब? ये तुम बामसी को दोगे, उसे सुकून मिलेगा, उसे इतना सुकून मिलेगा कि वो ये दवा और चाहेगा, और अगर वो मजीद चाहेगा तो हम उसे और देंगे। अच्छी तरीके से लगा देता मतलब हूं। इससे वो ठीक हो जाएंगे। चलें देखते हैं इदरीस साहब, देखते हैं। बेरहम कमांडर, ऐसा कौन बोलता है? पैसे वैसे लेके आया है? मैं यहाँ सोने की बारिश करने आया हूँ। मैं अपने सफाक जंगजुओं के लिए बहुत सा सोना लाया हूँ। वो जो यहाँ जान हथेली पर लेकर आए हैं, मैं उनको यहाँ सोना देने आया हूँ। मैं तुम पर सोने की बारिश करने आया हूँ। सारगुन साहब, ये तो बस शुरुआत है। कौन है वो? अरे ये वो है।
वो हाँ रब्बा तारगुन 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 खा दो गोक्तू भाई साहब इतने दिनों बाद ये गोक्तू किसके साथ कैसे इसके साथ रह रहा था मतलब ये नहीं समझा मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ हिसाब किताब बाकी है फिलाटियस हाँ ये भाग गया था ना उसकी वजह से डांट पड़ी थी बाबा की सरदारी लेने वाले सारगुन को मैंने और गुप्तुप ने उन्हें मार दिया है